राजस्थान में लोकसभा चुनाव में भाजपा के खराब प्रदर्शन को देखते हुए राजनीतिक उठापटक शुरू हो गई है। कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने सोशल मीडिया के जरिए इस्तीफा देने के संकेत दिए हैं। उन्होंने एक्स ट्विटर पर रामचरितमानस की चौपाई पोस्ट करते हुए लिखा, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर बचन न जाई। किरोड़ी ने एक दिन पहले ही कहा था कि पीएम ने जो 7 सीट सौंपी है उसमें से एक पर भी भाजपा हारी तो इस्तीफा दे दूंगा। इधर किरोड़ी के इस्तीफे के संकेत पर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि वे अपने बात के पक्के आदमी हैं। डोटासरा ने कहा, वो पीछे नहीं हटेंगे। किरोड़ीलाल अपनी बात का धनी आदमी है, वो थूक के नहीं चाटेंगे, वो अपना इस्तीफा जरूर देंगे, वापस भी नहीं लेंगे। कितने विकेट साथ में उड़ते हैं या पर्ची बदलवाते हैं वो उनके ऊपर है, वो कितना दम दिखाते। इसके साथ ही उन्होंने कहा, आज सच में मोरिया बोल गए हैं। वही बात करे किरोड़ीलाल मीणा की तो वो कार्यकर्ता सम्मेलन में भी इस्तीफा देने की बात कह चुके हैं। इसके अलावा भाजपा प्रत्याशी कन्हैयालाल मीणा का प्रचार करते हुए महुआ में कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करने के दौरान भी उन्होंने इस्तीफा देने की बात कही थी। उन्होंने कहा कि अगर उनके गृह क्षेत्र से बीजेपी चुनाव हारती है तो वे मंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे। अब देखना ये होगा कि कब तक इस्तीफा देंगे, क्योंकि उनके कहे अनुसार जो वो चाहते थे वो हुआ नहीं। बीजेपी उम्मीदवार की हार हो गई है तो शायद अब या तो वो अपनी बात से पलट जाएंगे या फिर इस्तीफा दे देंगे, ये समय बताएगा।